हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर वेरी फाइन। एज यू नो दैट वी आर लर्निंग हाउ टू स्पीक इंग्लिश एंड आवर मोस्ट ऑफ टॉपिक्स आर कम्प्लीटेड। लगभग हमारे टॉपिक बहुत सारे क्लियर हो चुके हैं और आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं कि जैसे कहीं भी आपसे इंट्रोडक्शन लिया जाता है क्लासेस में, फिर कॉलेज में, स्कूल्स में, किसी भी टाइम पे आपसे इंट्रोडक्शन लिया जाता है। कहीं शादी पार्टी में जाओगे, कहीं मीटिंग में जाओगे, इंट्रोडक्शन पूछा जाता है। तो इंट्रोडक्शन किस प्रकार से देते हैं वो हम आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। क्या जानेंगे हम? इंट्रोडक्शन के बारे में, हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन का मतलब होता है परिचय, स्वयं का परिचय किस प्रकार से देना है आपको। तो पहले पहले हम क्या बताएंगे, अपना नेम बताते हैं। क्या बताते हैं? पहले पहले नेम बताते हैं। नेम से भी पहले एक चीज़ और बतानी है अपने को, नाम से भी पहले हमें ग्रीटिंग्स करना है, कि जैसे ग्रीटिंग्स, ग्रीटिंग्स में गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जिस भी टाइम पे आप इंट्रोडक्शन दे रहे हो वो समय यहाँ पे लिख देना है। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, या फिर वन एंड ऑल भी बोल सकते हो, वन एंड ऑल, या फिर ऑल ऑफ यू, तीनों में से कुछ भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। ग्रीटिंग्स हमने लिख दी, ग्रीटिंग्स के बाद में क्या लिखेंगे? खुद का नाम बताएंगे। क्या बताएंगे हम? नेम ऑफ योर सेल्फ, अपना नाम बताएंगे। नेम कैसे बताना है? नेम में बताएंगे हम दिस इज, जैसे मेरा नाम महावीर है तो दिस इज महावीर सुमन, ठीक है। इसके अलावा आप आई एम भी बोल सकते हैं, आई एम महावीर सुमन, ये जो भी आपका नाम है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में नेम हो गया, अब इसके बाद में अपना स्थान बताएंगे, प्लेस, यानी कि जहाँ पे आप रहते हैं, जहाँ पे आप निवास करते हैं, होम टाउन या फिर अल्टरनेट सिटी, जो भी आपकी है वो आप लिखेंगे। क्या लिखेंगे? प्लेस, प्लेस, ठीक है। प्लेस कैसे लिखेंगे? तो लिखेंगे बेसिकली आई बिलोंग टू, जहाँ से आप हैं, अपनी सिटी का नाम, सिटी और विलेज, कोई भी जो आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, ठीक है। बेसिकली आई बिलोंग टू, जहाँ से भी आप हो, या फिर आई एम फ्रॉम भी लिख सकते हैं यहाँ पे, आई एम फ्रॉम, दोनों में से जो आपको सूटेबल लगे उसका यूज़ हम कर सकते हैं। उसके बाद में आपका टारगेट क्या है, आप बनना क्या चाहते हैं अपने जीवन में, बनना क्या चाहते हैं, तो वो यहाँ पे लिख देंगे। क्या लिखेंगे? टारगेट, या फिर आपने स्टडी करी, स्टडी कहाँ तक कर रखी है। टारगेट से पहले हम लेते हैं स्टडी, स्टडी क्या की हुई है, तो आप लिख सकते हैं कि आई एम ग्रेजुएट, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट जो भी हैं आप, आई एम ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट जो पीजी, जो भी आप हो वो लिख सकते हैं। फिर आई एम परस्यूइंग, यानी कि अगर आप उसमें आपके चल रहे हैं, जैसे मान सेशन चल रहे हैं, तो आई एम परस्यूइंग इन बीए या फिर बीएससी, जो भी आप कर रहे हैं वो आई एम परस्यूइंग इन बीए बीएससी या बीएसटीसी, जो भी करते हैं आप, ठीक है। इसके बाद में हम लेते हैं, उसके बाद में क्या लिखेंगे? अपना नेम हो गया, खुद का नाम बता दिया, दिस इज़ महावीर सुमन, या फिर दिस इज़ जो भी आपका नाम है, या फिर आई एम जो भी नाम है आपका, ठीक है। उसके बाद में प्लेस, प्लेस में कैसे आएगा? बेसिकली आई बिलोंग टू, आपकी सिटी लिख देंगे, आई एम फ्रॉम भी लिख सकते हैं, उसके बाद में सिटी लिख सकते हैं। तो स्टडी में आई एम ग्रेजुएट, आप भी आई फेयर, या फिर उसके बाद में आई एम पोस्ट ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो पोस्ट ग्रेजुएट बोलिए, ग्रेजुएट हैं तो ग्रेजुएट बोलिए। उसके बाद में अगर आप अपेयर हैं, अपेयरिंग कर रहे हैं, यानी आई एम अपेयरिंग, या फिर आई एम परस्यूइंग इन बी एस टी सी, या फिर बी ए, जो भी आप कर रहे हैं वो लिख सकते हैं। और आपको
फर्स्ट में क्या लिखनी है? ग्रीटिंग्स बोलनी है क्या? गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो भी आपका समय चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको टाइम बता देना है। ये चीज़ें हो गई। उसके बाद में हम लिखेंगे टारगेट। आपका टारगेट क्या है? व्हाट डू यू वांट टू बी। टारगेट क्या होता है? जो आप बनना चाहते हैं, आप जो भी बनना चाहते हैं उसके बारे में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे खुद के बारे में बताएं, इसलिए आई वांट टू बिकम अ टीचर। ठीक है, आपको टीचर बनना है टीचर लिखिए, या फिर आपको आईएएस बनना है या फिर आरएएस बनना है तो भी आईएएस बनना है तो एनआईएएस, ठीक है, आरएएस, ठीक है, जो भी आपको बनना है वो आप लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद में हॉबी, आपकी हॉबीज़ क्या हैं? टारगेट के बाद में क्या बोलेंगे? हॉबीज़, आपकी हॉबी, जो भी आपकी हॉबी हैं, आदत हैं, आपकी हैबिट्स हैं, वो क्या बोलेंगे आप? अगर आपकी एक हैबिट है, जैसे आई एम फॉन्ड ऑफ, जैसे मान ले हैबिट है नहीं, शौक, आपके शौक क्या हैं, तो उसको कैसे लिखेंगे कि आई एम फॉन्ड ऑफ हेल्पिंग नीडी पीपल। यानी कि मेरी हॉबी क्या है? मैंने यहाँ पर लिख दिया कि आई एम फॉन्ड ऑफ हेल्पिंग नीडी पीपल्स, यानी कि जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं उनकी मदद करना मेरी हॉबी है। और आपकी जो भी हॉबी है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि आई एम फॉन्ड ऑफ, या फिर ऐसे लिख सकते हैं माई हॉबी इज़। अगर आपकी सिंगल हॉबी है, यानी एक अकेली हॉबी है आपकी, जो भी आदत है, तो उसको आप माई हॉबीज लिख के या फिर बोल के कर सकते हैं। या फिर आपकी दो हॉबीज़ हैं, आपकी एक से अधिक हॉबीज है, तो फिर आप क्या लिखोगे? माई हॉबीज आर, क्या लिखोगे? माई हॉबीज आर। जैसे आपकी हॉबी है कि मेरी हॉबी क्या है? डांस करना। आपकी हॉबी क्या है? जैसे मान लीजिए आपकी हॉबी है डांस करना, तो माई हॉबी इज डांसिंग। इस प्रकार से आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं किसी भी प्लेस पर। आपको इंट्रोडक्शन इस प्रकार से देना है। ठीक है, थैंक यू।